खबर यह है कि अग्निपथ योजना पर भारतीय वायुसेना ने नई जानकारी जारी की है। अग्निवीरों को साल भर में मिलेगी 30 छुट्टियां, आईएएफ की ओर से कहा गया है, और नौकरी के दौरान सेना के अस्पतालों में मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। नौकरी के दौरान 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी सेना की ओर से दिया जाएगा। तो विरोध की आवाज के बीच जरूरी यह है कि केंद्र और साथ ही जो बाकी सरकारें अग्निवीरों को क्या कुछ खास सुविधाएं देने जा रही हैं, इसकी डिटेल्स आपको जल्दी से बिग वॉल के जरिए बता देते हैं। एक तो कोस्ट गार्ड और डिफेंस पीएसयूज में 10% के रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है, साथ ही असम राइफल्स और सीएपीएफ में भी 10% रिजर्वेशन का ऐलान है। बिल्कुल, अग्निवीरों के लिए जो ऐलान किया गया है उसके बारे में डिटेल्स आपको दे रहे हैं। असम राइफल्स और सीएपीएफ में आयु सीमा में 3 साल तक की आपको छूट मिलेगी, और साथ ही कई राज्य सरकारों में पुलिस भर्ती में प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिसमें से यूपी और एमपी सरकार की ओर से ये कहा भी जा चुका है। मर्चेंट नेवी में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, ये एक बड़ा ऐलान किया गया है। 10वीं पास अग्निवीरों को नेशनल ओपन स्कूल में 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और इंटर पास अग्निवीरों को ग्रेजुएशन की मान्यता दी जाएगी, यानी कि तमाम तरह की जो ग्रीवांसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है। सामान्य करियर में मदद के लिए इग्नू से विशेष कोर्स की भी सुविधा दी गई। सिविलियन जॉब में मदद के लिए स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी मिलेगा अग्निवीरों को। सरकार ने साफ किया है कि कौन कौन सी सुविधा अग्निवीरों को मिलनी जा रही है इस स्कीम के जरिए। वहीं कई कॉर्पोरेट हाउस में 4 साल की सेवा के बाद काम देने का भी भरोसा सरकार की ओर से दिया गया है। खेल और युवा मंत्रालय से जुड़ी नौकरियों में प्रायोरिटी मिलेगी अग्निवीरों को। 15 लाख खाली पड़े फिजिकल टीचर्स के पदों के लिए मजबूत दावेदार भी होंगे अग्निवीर। ये पूरा क्लेरिफिकेशन सरकार की ओर से जारी किया गया है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए आखिर कौन कौन सी सुविधा अग्निवीरों को मिलने जा रही है।